चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बीफ पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पुलाव भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शाजिया इमरान और आप लोग देख रहे हैं शाजिया राना का किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग दाल के पुलाव का रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। जी, सबसे पहले मैंने प्रेशर लिया है, आज की रेसिपी जो है हम प्रेशर में बनाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप तेल है मेरे पास। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने दरमियान से कट लगा दिया। ये ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको लाइट से हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हमने दिलाना नहीं है, बस हल्का से फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 1 प्याज, मेरे पास प्याज ऐड कर देंगे हम 1। अब प्याज को हमने करना है गोल्डन फ्राई, प्याज का अच्छा सा कलर निकल आएगा, उसके बाद हम भी इसको आगे स्टार्ट करेंगे। जी, हमारे देखें प्याज हमारे कितना हो गया है ब्राउन। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच, ये आपने ऐड कर देना है। अब इसकी हम करेंगे भुनाई ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट भुनाई के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर। दोबारा से इसकी करेंगे भुनाई ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। इसलिए मैं साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून जो है मेरे पास सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक हंसते जाएगा, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मेरे पास है मूंग की दाल, ये ऐड कर देंगे इसमें हम। इसमें अब इसकी तकरीबन 5 मिनट हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से दाल की। आप चाहें तो कोई और दाल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चने की दाल हो गई और मसूर की दाल हो गई, उससे भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन ये मूंग की दाल से ज़बरदस्त बनती है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अलग किस्म का टेस्ट होगा इसका इंशाल्लाह ताला। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, हमें खुशी होती है आप लोग जब इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, मैं उस मग से पानी ऐड करी जिस मग से मैंने चावलों को मेजर किया हुआ है, तकरीबन 2 कप है मेरे पास, तो मैं इसमें तकरीबन 3 कप ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने नमक चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और तकरीबन 1/4 जो है वो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने। पानी पकने तक मैं इसको कवर कर दूँगी। पानी हमारा पकने लग गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। जी, ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया है, अभी स्टेज हम इसको लगाएंगे दम, लेकिन दम से पहले हमने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टमाटर लिया है, उसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। अब दम लगाने से पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। 2 अदद लेमन के पीसेज हैं मेरे पास और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये आपने कट लगा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आप इसको दम से उतारेंगे तो इन चीज़ों की वजह से जो आपके राइस है इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब मैं इसको लगा दूँगी दम पर, ज़्यादा नहीं, प्रेशर में लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेगा। जी, 10 मिनट बाद ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त मूंग का जो पुलाव है ना वो रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, अब मैं इसको डिश आउट करेंगे, देखिए कैसे केला केला चावल है, ये देखें माशाल्लाह। और इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है तो ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी, हमारी मूंग दाल का पुलाव जो है वो हो चुका है रेडी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और इसमें से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे शाजी इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।